You all may be happy and fine. First of all, I would like to introduce myself. My name is Arvind Pandey. I have been teaching in DDIC as an English lecturer since last 2 years. As a number of students in DDIC know very well, so I don't want to discuss much. So let's start our topic, and today my topic is synthesis for the classes intermediate first year and second year. So डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंथेसिस के विषय में जानेंगे कि सिंथेसिस होता क्या है, जो कि आप लोगों के लिए बेहद बेनिफिशियल है और यह इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सिंथेसिस मीन्स होता है डियर स्टूडेंट कॉम्बिनेशन, यानी जोड़ना। जोड़ना कहें, संश्लेषण कहें, तो अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हेडिंग्स। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इंटू वन सिंपल सेंटेंस, क्या जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इंटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इंटू वन कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंथेसिस के अंतर्गत हम तीन प्रकार के हेडिंग्स को पढ़ते हैं। पहला, कई साधारण वाक्य को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाना, और दूसरा, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक मिश्रित वाक्य बनाना, और तीसरा और लास्ट है, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक संयुक्त वाक्य बनाना। तो आज के वीडियो में हम बस फर्स्ट जो हेडिंग है, कई साधारण वाक्य को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे। तो उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यह जो फर्स्ट हेडिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, इसके अंतर्गत छोटे बड़े को मिलाकर के 8 रूल्स आते हैं, और वे 8 रूल्स क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, सेकेंड बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, थर्ड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, फोर्थ है प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरण, और फिफ्थ है केस इन अपोजिशन, सिक्स है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल
और लास्ट एट नंबर पे जहां वो होगा कंजक्शन एंड। सो डियर स्टूडेंट, देयर आर एट रूल्स बाई थ्रू विच वी आर टू मेक यू टीच हाउ टू कंबाइन टू आर मोर देन टू सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ participle, infinitive, nominative, absolute, preposition with noun or gerund, case in opposition, adverb or adverbial phrase, adjective and conjunction and। तो dear student, आज हम केवल जितना देंगे इसका कि participle के प्रयोग से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे बनाया जा सकता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर एक वीडियो में अगर हम दो दो तीन तीन रूल का जिक्र करते हैं, बताते हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं रहेगा। इसमें आज केवल पार्टिसिपल के द्वारा हम आप लोग को बताएंगे, सिखाएंगे कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानेंगे कि हम पार्टिसिपल होता है। तो पार्टिसिपल इज ए वर्ड फॉर्म फ्रॉम ए वर्ब एंड यूज एज एन एडजेक्टिव आर ए नाउन। पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल क्रिया से बना हुआ एक शब्द होता है जो एडजेक्टिव या नाउन के रूप में फंक्शन करता है, कार्य करता है। या ऐसे कह सकते हैं, ऐसा वर्ब्स जो क्रिया के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करे उसे हम पार्टिसिपल बोलते हैं। और पार्टिसिपल सेंटेंस में एडजेक्टिव या नाउन का काम करता है। तो यह रहा पार्टिसिपल। अब जानेंगे कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल एंड द थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल आर दैट फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल के जो टाइप हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब सबसे पहले जानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। एंड आई थिंक अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नो वेरी वेल दैट व्हाट इज पार्टिसिपल, व्हाट आर पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। इवन दो आई आल्सो वांट टू टेल अबाउट दीज थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। यह जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा करके बनाया जाता है और जो इसका अर्थ निकलता है हिंदी में वह हुए या करके निकलता है। When we add ing in the base form of the verb, in this situation
that is, it is called present participle, and it is Hindi, and its Hindi meaning हुए और करके। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं, जैसे हम कहें गोइंग टू मार्केट, आई बॉट ए बुक। हमने यह सेंटेंस लिखा है गोइंग टू मार्केट आई बॉट ए बुक, बाजार जाकर हमने मैं एक पुस्तक खरीदा। तो आप देख सकते हैं यह जो गो वर्ब है जिसमें हमने लगाया है आई एल जी, और यह काम कर रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल बनने का, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और इसका अर्थ क्या निकल रहा है, करके हुए या करके, यानी करके निकल, यानी बाजार जाकर के मैंने एक पुस्तक खरीदा। बात समझ में आना है। अब अगला जो टाइप है पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का थर्ड पार्ट होता है, और यह एक एडजेक्टिव जितना फंक्शन करता है, कार्य करता है। जैसे हम कहें एक एग्जांपल के थ्रू, माय फादर इज ए रिटायर्ड टीचर, मेरे पिताजी एक अवकाश प्राप्त अध्यापक हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं यह जो वर्ब है रिटायर, यह रिटायर्ड हमने लिखा है, और यह दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटायर, और यह कार्य क्या कर रहा है, इसमें एक एडजेक्टिव कितना काम कर रहा है, यानी मेरे पिताजी एक अवकाश प्राप्त अध्यापक है। तो जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो हमेशा एक एडजेक्टिव कितना फंक्शन करता है। अब थर्ड पे जाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि जब हम हैविंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में हमारा बनता है परफेक्ट पार्टिसिपल। एक एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। हाँ, उससे पहले एक चीज बता दें आप लोगों को कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं, जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और उसके बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हो, प्रारंभ हो। तो जो क्रिया कार्य को समाप्त होना प्रकट करे, दिखावे, उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, बदलते हैं। जैसे हम कहें having completed my work, कोमा लगाएंगे, I took my food, अपना कार्य समाप्त करके मैंने अपना भोजन किया, भोजन ग्रहण किया। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब देखिए, इसमें तो एक्शन हो रहा है, पहला काम समाप्त होने का और दूसरा भोजन करने का। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं, जब एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए और दूसरा कार्य समाप्त हो। तो जो क्रिया कार्य को समाप्त होना शो करे, उसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बदलते हैं। अब भाई देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि हम अपना काम भी मतलब करेंगे और उसी दौरान खाना भी खाएंगे, ऐसे तो थोड़ा होता है। यानी जब हम पूरी तरह से अपने कार्य को समाप्त कर लिए, तब हमने अपना भोजन किया। तो जब एक कार्य पूरी तरह से समाप्त होता है और दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, ऐसे में हम यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो इतनी कहानी क्लियर है। अब तो हमने आप लोगों को बताया पार्टिसिपल के बारे में कि पार्टिसिपल इज अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम ए वर्ब, एंड
फंक्शन एज एन एडजेक्टिव आर ए नाउन, यानी जो पार्टिसिपल होता है तो वह क्रिया से बना एक शब्द होता है जो या तो एडजेक्टिव या फिर नाउन का फंक्शन करता है, काम करता है। और पार्टिसिपल होते हैं तीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। जब हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आई एनजी लगाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्रिया का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। अब आप लोग को हमको यह बताना है कि इन पार्टिसिपल के द्वारा हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए कुछ शर्त होता है डियर स्टूडेंट, और वह कंडीशंस क्या होते हैं कि अगर हमको पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर के एक नया सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले हमारे जो सेंटेंस होंगे दो या दो से अधिक, उनके सब्जेक्ट जो होंगे वह सेम होंगे। सेम होने का मतलब एक ही, अगर दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट डिफर है, अलग अलग है, तो पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस नहीं बना सकते हैं। हम दो या दो से अधिक वाक्य को मिलाकर के एक नया वाक्य नहीं बना सकते हैं, या फिर एक वाक्य में इट का प्रयोग तब बन सकता है। अब यह था कंडीशन पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस बनाने का। अब नियम के बारे में जानेंगे कि कैसे हम पार्टिसिपल को बनाएं, पार्टिसिपल के द्वारा वाक्य को कंबाइन करें। तो देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके यदि आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना है, तो ऐसे में आप यह देखिए कि सबसे पहले कौन सा कार्य शुरू समाप्त हुआ और कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ। जो कार्य सबसे पहले समाप्त हो उसके वर्ब को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दीजिए, और जो कार्य बाद में समाप्त हो उसे उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसे उसे जब कहते हो लिख लेना है कोमा लगा करके। एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। जैसे हम लिखे ऐसा टाइगर, आई क्लाइंड अप, ऑन द ट्री ऐसा टाइगर, मैंने टाइगर देखा और क्या किया, आई क्लाइंड अप ऑन द ट्री और मैं पेड़ पर चढ़ गया। तो हमने अभी बताया कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा आप वाक्य को कंबाइन करेंगे दो या दो से अधिक, तो जब वो एक्शन में फास्टनेस पाया गया है तो ऐसे में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दीजिए। और भाई आप सेल को देखेंगे तो आराम से तो जाएंगे नहीं, ये आराम से जाएंगे, बिल्कुल तेजी से जाएंगे, यानी भागने का जो काम होगा वह वेरी फास्ट होगा। आपने जैसे सेल को देखा वैसे ही तुरंत भागना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे में क्या फास्टनेस, वर्क में फास्टनेस पाया जाता है, और जब वर्क में फास्टनेस पाया जाए तो आप प्रयोग प्रयोग करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो हमने अभी क्या बताया कि यह हम देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है और कौन सा कार्य बाद में। तो सबसे पहले सब कार्य कौन सा समाप्त हो रहा है, टाइगर को देखने का, उसके बाद कौन सा कार्य हो रहा है, पेड़ पर चढ़ने का। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसके वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, तो बदल दीजिए। अब जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वी1 प्लस में आईएनजी, यहां पर वर्ब है सा, तो सा में तो आईएनजी लगाएंगे नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आईएनजी लगाते हैं इसमें वर्ब के बेस फॉर्म में, ना कि सेकंड और थर्ड फॉर्म में। तो सा का बेस फॉर्म क्या होता है, सी होता है, लिख दीजिए सी और इसमें आईएनजी इंक्लूड कर दीजिए, सी ए टाइगर कोमा लगाएंगे और इस सेंटेंस को ऐसे ही लिख देंगे, आई क्लाइंब अप ऑन द ट्री। गॉट इट। एक अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं, हेमा
finish her work. She went to market. हेमा अपना कार्य समाप्त की, सिवेन टू मार्केट और काम ही बजा लिए। तो इस सेंटेंस से देखेंगे सबसे पहले काम क्या हो रहा है, कार्य समाप्त करने का और उसके बाद बाजार जाने का। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसके वर्क को हम पार्टिसिपल वर्ब से प्रेजेंट पार्टिसिपल फिनिश आपका वर्ब है तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फिनिशिंग फिनिशिंग हर ओवर कुमार लगाएंगे हेमा वेंट टू मार्केट। अब कुछ ही स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया होगा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ कुछ को, कि यहाँ पर हमने सी की जगह हेमा क्यों लिखा। तो डियर स्टूडेंट यह सी है कौन, हेमा ही है, हमें हेमा का ही इंतजार करना है। यह सी प्रोनाउन है जो कि नाउन हेमा के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर हमने हेमा लिखा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर हुआ। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल का। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है या क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है और एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो यदि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं और उसमें कोई ऐसा वर्ब है जो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस करेंगे। जैसे हम सेंटेंस के थ्रू समझाते हैं, I saw a snail. I saw a snail. The snake was wounded. सेंटेंस हमने लिखा है ऐसा स्नेक, मैंने सांप देखा, द स्नेक वाज वुंडेड और सांप क्या था, घायल था। तो अब देख सकते हैं कि इसमें एक कंसेप्ट समझ लेना भीतरी के विषय में। ये जो भीतरी होता है, भीतरी नहीं और थर्ड पार्ट होता है, यह इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली दो काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। हेल्पिंग वर्ब कब बनेगा, जब वो इस सॉरी Yes. तो ये जो भीतरी होते हैं इंग्लिश ग्रामर में तीन काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना और मेन वर्ब बनना। तो मेन वर्ब कब बनेगा, जब इसकी पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब पे बेसिकली होते क्या हैज हैव हैड, यानी भीतरी के पहले हैज हैव हैड आया तो वह हमारा बनेगा मेन वर्ब, और यदि मेन वर्ब नहीं आया तो यह हमारा बनेगा एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव बनेगा तो काम क्या बनेगा, पास्ट पार्टिसिपल का, यानी भीतरी काम करता है, एक वर्ब बनेगा और एडजेक्टिव बनेगा। वर्ब कब, जब इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब कौन सा हैज हैड। एडजेक्टिव कब, जब यह काम करेगा, जब इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, जब वो मेन वर्ब भीतरी के पहले कोई मेन वर्ब नहीं आएगा तो यह हमारा काम करेगा एडजेक्टिव का, और जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो कहलाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसको हम लोग सिंथेसिस कर लेते हैं, तो इसका सिंथेसिस हो जाएगा आई सा ए
बुंडेल स्नेक। अर्थ निकालेंगे कि तो होगा मैंने घायल सांप देखा। अब यह जो बुंडेल है एक विशेषता बता दिया कि नहीं स्नेक का, तो यह जो बुंडेल है भित्ति की है, लेकिन इसमें यह वर्ब रूप में काम नहीं किया बल्कि एक एडिटिव रूप में काम किया है। और जब भित्ति एक एडिटिव रूप में काम कर दे तो वह कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। तो यह पास्ट पार्टिसिपल हो गया। इसी तरह का जो हमने एक सेंटेंस दिया था कि माई फादर इज ए टीचर ही इज रिटायर्ड, तो रिटायर क्या भित्री है, तो इसको अगर हमको उस पार्टिसिपल के द्वारा कंबाइन करना रहेगा तो हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कंबाइन करेंगे। तो लिखेंगे क्या माय फादर इज रिटायर्ड टीचर। यहां तक बात समझ में आई। अब वो इसके आगे समझिए परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। तो परफेक्ट पार्टिसिपल के विषय में अभी हमने जिक्र किया कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं या हैविंग के साथ क्रिया हैविंग के बाद क्रिया का थर्ड भाग लगा करके परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। और इसका यूज स्पेशली तब करते हैं जब वो एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तो जो क्रिया कार्य को समाप्त होना दिखावे उसके वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। राधिका हैज फिनिश्ड हर होमवर्क सी went to walk with her friends। राधिका है शनिश्ड हर होमवर्क सी वेंट टू वॉक विद हर फ्रेंड्स। राधिका ने अपना होमवर्क पूरा किया समाप्त किया, यहाँ पर है छुपन सिंह रही में समाप्त किया और अपने मित्रों के साथ टहलने गई। तो इसमें पहले अपना कार्य समाप्त होने का एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हुआ होमवर्क पूरा करने का, इसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो गया अपने मित्रों के साथ टहलने का। तो जो कार्य समाप्त होता है जो कार्य पहले समाप्त होता है नहीं क्या होता है कि जब एक कार्य से समाप्त होता है और दूसरा कार्य शुरू होता है तो जो कार्य जो जो वर्ग कार्य को समाप्त होना दिखाता है उसी के वर्ग को परफेक्ट पार्टिसिपल बदलते हैं। तो फिनिश ऐसा वर्ग है जो होमवर्क को पूरा करने को बता रहा है, तो इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलने के लिए कंडीशन क्या होते हैं कि हैविंग के बाद भित्री का हम प्रयोग कर देते हैं। तो आइए कर लेते हैं। इसका बनेगा हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क, कोमा लगाएंगे, लिखेंगे राधिका वेंट टू वॉक विद हर फ्रेंड्स। तो यहां तक समझ में आया। तो हमने आप लोगों को बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कैसे एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब वो लगना देखिए जो आप लोगों को बता देते हैं कि क्या होता है कभी कभी सेंटेंस में बी के फॉर्म्स आ जाते हैं। बेसिकली आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बी के बारे में। और ये जो बी के फॉर्म्स होते हैं होते क्या हैं, बी के पांच फॉर्म्स होते हैं इज एम आर वाज वर। तो
अगर किसी भी सेंटेंस में बी के फॉर्म्स आए हुए हैं और वह मेन वर्ब का काम करे तो उसको हम सिंथेसिस कैसे बनाएंगे पार्टिकल के द्वारा। जैसे हम एक सेंटेंस लिखें, आई एम हंग्री, आई टू माई फूड, मैं भूखा हूं, मैंने अपना भोजन लिया। अब बताओ भाई सबसे पहले कौन सा कार्य हो रहा है? भूखा होने का, उसके बाद भोजन करने का। लेकिन भाई इसमें जो एम है ये क्या है? एम बेसिकली है क्या? बी का रूप है, बी के फॉर्म्स हैं। और ये काम क्या कर रहा है? ये जो बी के फॉर्म्स होते हैं, ग्रुप के फॉर्म्स होते हैं, हेड के फॉर्म्स होते हैं, ये इंग्लिश ग्रामर में दो काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। फिर जानेंगे कैसे हेल्पिंग वर्ब कब, मेन वर्ब कब। वेरी सिंपल, अगर बी के फॉर्म्स के पहले कोई, अगर बी के फॉर्म्स के बाद कोई मेन वर्ब आए तो कह देना हेल्पिंग वर्ब, अगर मेन वर्ब ना आए तो खुद बन जाता है मेन वर्ब। तो एम के बाद कोई मेन वर्ब आया है क्या? हंग्री मेन वर्ब है क्या? अपना तो क्या है? एडजेक्टिव है। तो यह जो एम है या खुद है हमारा मेन वर्ब, तो जब इसको हम पार्टिसिपल के द्वारा कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे क्या? हम बी में आई एन जी लगाएंगे, क्योंकि यह रूप किसका है? बी वर्ब का। तो इसलिए हम लगाते हैं बी में आई एन जी, तो बींग हंग्री लगाएंगे, इसमें लिखेंगे आई कुक माई फूड। इतनी कहानी क्लियर हुई। अब वो इसमें एक चीज और है, कभी कभी क्या होता है कि पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो जाता है। तो यदि पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे उस ऑब्जेक्ट के पास में ही रखते हैं, लिखते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा ही दे रहे हैं, रीमा सा हर ट्रेन, सी वाज एब्यूजिंग मोहन। हमने दो सेंटेंस लिख रखे हैं, रीमा अपने मित्र को देखा और सी वाज एब्यूजिंग मोहन, और वह मोहन को गाली दे रहे थे। तो इसका हम क्या करेंगे, या जो भी वन प्लस में आई एन जी है, हमने आपको क्लास में चीज बता रखा था, जो भी वन प्लस में आई एन जी होते हैं या इंग्लिश ग्रामर में तीन काम करते हैं, क्या क्या? नाउन बनना, वर्ब बनना और एडजेक्टिव बनना। नाउन कब बनेगा? अगर भी वन प्लस में आई एन जी नाउन बनेगा तो कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब कब बनेगा? जब बी वर्ब प्लस में आई के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब हो, और ये हेल्पिंग वर्ब बेसिकली होते क्या है? बी के फॉर्म, इज इन, आर, वाज वर्ब। और एडजेक्टिव जब बनेगा तो काम तो हमारा कहलाएगा क्या? सॉरी अभी थोड़ा मिस्टेक कर दिया, जब नाउन बनेगा तो हमारा जेरंड कहलाएगा, और जब एडजेक्टिव बनेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। तो यह जो सेंटेंस है इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे रीमा सा हर फ्रेंड एब्यूजिंग मोहन। ध्यान देंगे यह जो एब्यूजिंग है, इस पार्टिसिपल का संबंध किससे है? भाई किसको गाली दे रही थी? अपने मित्र को ही ना। तो यह जो ऑब्जेक्ट है यानी पार्टिसिपल का संबंध किससे हुआ? इस ऑब्जेक्ट हर फ्रेंड से, इसलिए पार्टिसिपल को हम इसके पास रखेंगे। तो उसके बाद कल्पना पढ़ा जाएगा।
और ये थ्री सेंटेंस को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और बोर्ड में आने के चांसेस अधिक बनते हैं पार्ट थ्री के थ्रू। जैसे क्या है, रेखा हर द न्यूज, सी फेल इन द एग्जामिनेशन, सी फेंटेड। तीन सेंटेंस हमने लिख रखा है कि रेखा समाचार सुनी और कैसे समाचार सुनी, परीक्षा में फेल हो गई, सी फेंटेड बेहोश हो गई। तीन सेंटेंसेस हैं। अब इन तीनों सेंटेंस को हमको पार्टिसिपल के द्वारा एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो करते क्या है कि सबसे पहले आप हिंदी में जोड़ने का प्रयास कीजिए, ऐसा मतलब हिंदी में जोड़िए ताकि इन तीनों के और एक सेंटेंस में आ जाए, फिर आप पार्टिसिपल का प्रयोग करके कंबाइन करिए। तो ऐसे ना लिख सकते हैं क्या कि परीक्षा में फेल होने की खबर को सुन करके रेखा बेहोश हो गई। तीनों सेंटेंस का एक सेंटेंस में पूरा सेंस आया कि ना? बिल्कुल आया। तो हम लिखेंगे क्या कि हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेल्योर, कोमा लगाएंगे, रेखा फेंटेड। वो कुछ ही स्टूडेंट्स के अंदर डाउट हुआ कि यहाँ पर फेल आया है तो हमने यहाँ फेल्योर क्यों लिख दिया, एक्चुअली ऐसा इसलिए क्योंकि यह है आपका वर्ब और इसको जो हमने कंबाइन किया तो हमें इसको बनाना पड़ेगा नाउन, या फेल्योर हमारा बन गया नाउन, तभी हो पाएगा। तो इतनी कहानी क्लियर हुई। अब आप लोगों को क्या बोलते हैं, एक्सीलेंट बुक के थ्रू अधिक से अधिक एक्सरसाइज करिए पार्टिसिपेंट के द्वारा, और जो भी डाउट हो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, फिर समझाया जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देंगे, किसी भी चीज़ को 100% जानकारी हासिल करने के लिए दो चीज़ें जरूरी होती है, पहला थ्योरेटिकल और दूसरा प्रैक्टिकल। हमने आपको बता दिया, समझा दिया, आपने प्रैक्टिकल यानी एक्सरसाइज नहीं किया तो कतई आपको 100% समझ नहीं आएगा, आप इस चीज़ की मतमंगी नहीं हो सकते हैं। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू मोर एंड मोर एक्सरसाइज। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा वीडियो के थ्रू, बस आपको जरूरत क्या है, यू हैव मेंटेन योर पेशेंस। धन्यवाद एंड थैंक यू।